हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी समर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये बहुत ही यूनिक और न्यू डिज़ाइन की ड्रेस है। पहली बार कान्हा जी को हम ये ड्रेस बनाकर पहनाएंगे। इस ड्रेस को बनाने के लिए हमें ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं होती है। मैंने देखिए सिर्फ एक तरह की ये लेस यूज़ की है और कॉटन का फैब्रिक यूज़ किया है। ड्रेस का लुक आगे और पीछे दोनों ही तरफ से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जितना आसान इस ड्रेस को बनाना है उतना ही आसान कान्हा जी को पहनाना भी है। हमें देखिए ऐसे कमर को फैलाकर नीचे नेपी पहना देनी है कान्हा जी को, और फिर ये चोली कान्हा जी के शोल्डर से पहनाते हुए पीछे की तरफ वेलक्रो से यहाँ पे बंद कर देना है दोनों तरफ से। फिर देखिए इस ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है। इसके साथ ही साथ मैंने सभी नंबर के कान्हा जी के लिए मेजरमेंट भी बताया है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है adicultural_world268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की समर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए सबसे पहले व्हाइट कलर के अस्तर के फैब्रिक में से दो पीसेस कट कर लिए हैं। मैंने अस्तर का फैब्रिक यूज़ किया है क्योंकि ये बहुत ही पतला होता है। इसमें से देखिए हम आर पार देख सकते हैं, ये इतना पतला होता है। ये बहुत मुलायम भी होता है और साथ ही साथ प्योर कॉटन भी होता है, इसलिए मैंने अस्तर का फैब्रिक यूज़ कर लिया। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पर कोई भी कॉटन का फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल चौड़ाई है वो हमने 10 इंचेस रखी है। मैं आपको मेज़र करके दिखा देती हूँ। देखिए इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है वो हमने 10 इंच रखी हुई है और इसकी जो लंबाई है वो हमने 5 इंच रखी हुई है, यानी कि 5 इंच। दोनों ही पीसेस का मेजरमेंट हमने बिल्कुल बराबर रखा है, यानी कि जितनी लंबाई और चौड़ाई इस पीस की होगी उतनी ही लंबाई और चौड़ाई हमें दूसरे पीस की भी रखनी है। ये मेजरमेंट हमने 6 नंबर के कान्हा जी के लिए रखा है। तो 0 से लेकर के 10 नंबर तक के कान्हा जी के लिए पहले मैं आपको कपड़े की चौड़ाई का मेजरमेंट बता देती हूँ। 0 नंबर के कान्हा जी के लिए यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल चौड़ाई होगी वो हमें 4 इंच यानी कि 4 इंच रखनी है। 1 नंबर के लिए 5, 2 नंबर के लिए 6, 3 नंबर के लिए 7, 4 नंबर के लिए 8, 5 नंबर के लिए 9, 6 नंबर के लिए 10, 7 नंबर के लिए 11, 8 नंबर के लिए 12, 9 नंबर के लिए 13 और 10 नंबर के कान्हा जी के लिए यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल चौड़ाई होगी वो हमें 14 इंचेस यानी कि 14 इंच रखनी है। अब मैं आपको 0 से लेकर के 10 नंबर तक के कान्हा जी के लिए कपड़े की लंबाई का मेजरमेंट बता देती हूँ। 0 नंबर के कान्हा जी के लिए कपड़े की जो टोटल लंबाई होगी वो हमें 2 इंच यानी कि 2 इंच रखनी है। 1 नंबर के लिए 2.5, 2 नंबर के लिए 3, 3 नंबर के लिए 3.5, 4 नंबर के लिए 4, 5 नंबर के लिए 4.5, 6 नंबर के लिए 5, 7 नंबर के लिए 5.5, 8 नंबर के लिए 6, 9 नंबर के लिए 6.5 और 10 नंबर के कान्हा जी के लिए कपड़े की जो टोटल लंबाई होगी वो हमें 7 इंच यानी कि 7 इंच रखनी है। अब इन दोनों पीसेस को हमें ऐसे देखिए सीधा करते हुए रख लेना है और हम इन दोनों को एक के ऊपर एक बिल्कुल बराबर करते हुए रख लेंगे। फिर देखिए हमें इसको बीच में से बराबर करते हुए फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद देखिए नीचे से ये फोल्डेड वाली साइड हो गई है और ऊपर की तरफ से ये ओपन वाली साइड हो गई है। अब हम इसको एक बार और ऐसे फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए इधर से ये फोल्डेड वाली साइड है और इधर की तरफ से ये ओपन वाली साइड है। अब ये जो फोल्डेड वाली साइड है यहाँ से मेज़र करते हुए हमें 0.75 इंच पर मार्किंग करनी है। तो मैं आपको बता दूँ, देखिए ये 1 इंच है और ये 0.5 इंच है। इसके बीच का जो ये वाला हिस्सा है इसको हम 0.75 इंच कहते हैं। तो जो फोल्डेड वाली साइड है यहाँ से हम इसको मेज़र करेंगे और 0.75 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब इधर से देखिए ये ओपन वाली जो साइड है यहाँ पर हमें मेज़र करना है और 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। अब हमने ये जो मार्किंग की है इन दोनों को हमें तिरछी लाइन खींचते हुए मिला लेना है। हम इसको इसी शेप में कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हमें इसको देखिए ओपन कर लेना है। ओपन करने पे इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हम इसको पूरा ओपन करेंगे। अब हमें इस पर सिलाई लगानी है। तो देखिए हम यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करेंगे, फिर इस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे, यानी कि हमें हर तरफ से सिलाई लगानी है, सिर्फ इधर की तरफ से हमें इसको खुला छोड़ देना है।
हर तरफ से हमने देखिए इस पे सिलाई भी लगा ली है, सिर्फ इधर की तरफ से हमने इसको खुला छोड़ दिया है। अब हम इस पे छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे जहाँ से हमने सिलाई लगाई है। उसके पहले हम छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे, हमें ध्यान देना है कि सिलाई नहीं कटनी चाहिए और हमें कट्स लगाना भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि कट्स लगाने की वजह से ही इसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी जब हम इसको पलटेंगे, और इसको पलटना भी आसान हो जाएगा। कट्स लगाने के बाद अब इधर की तरफ से हमने ये जो इसको खुला छोड़ा था, यहाँ से हमें इसको पलटकर सीधा कर लेना है। पलटकर सीधा करने के बाद अब देखिए इधर की तरफ से हमने जो इसको खुला छोड़ा था, इसको भी हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा हम इसको देखिए अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरीके से। और फोल्ड करने के बाद इसको हमें देखिए बिल्कुल बराबर करके रखना है। पहले हम ऐसे मेज़र कर लेंगे कि ये इधर की तरफ से देखिए बराबर आ रहा है, और फिर इस पर सिलाई लगाकर हम इसको जॉइंट कर लेंगे। हमने येलो कलर के कॉटन के फैब्रिक में से देखिए एक पीस कट कर लिया है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो हमने 20 इंचेस यानी कि 20 इंच रखी है, और इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 3 इंच यानी कि 3 इंच रखी है। इसको हमें बीच में से बिल्कुल बराबर करते हुए फोल्ड करना है और एक बारी प्रेस लगा लेना है। बीच में से फोल्ड करके प्रेस लगाने के बाद अब ये देखिए ऊपर की तरफ से ये ओपन वाली साइड है और नीचे की तरफ से ये फोल्डेड वाली साइड है। तो जो ओपन वाली साइड है यहाँ पर हमें एक सिलाई लगा लेनी है। ऊपर की तरफ से सिलाई लगाने के बाद अब हमें देखिए ये किनारे की तरफ से जो हमने इसको खुला छोड़ दिया था, यहाँ से पलटकर सीधा कर लेना है। तो हमें सुई धागा ले लेना है। हमने देखिए ये मोटी वाली सुई ली है, इसमें हमने डबल करके धागा डाला है जिससे कि हमें इसको पलटने में आसानी होगी। अब यहाँ किनारे की तरफ से हमें देखिए पहले सुई धागे से इसको यहाँ पे लॉक कर लेना है। दो बारी लॉक करने के बाद अब सुई का ये जो पीछे वाला हिस्सा है इसको हमें अंदर की तरफ डालना है और दूसरे तरफ से निकाल लेना है। दूसरी तरफ से हमने देखिए सुई निकाल ली है। अब इधर की तरफ से जहाँ से हमने इसको लॉक किया था यहाँ पे हमें कपड़े को थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। बहुत ज़्यादा नहीं, देखिए हमने इसको थोड़ा सा फोल्ड किया है। अब हम इधर की तरफ से खींचेंगे तो ये पलटता जाएगा अपने आप से। आप देख सकते हैं इसको पलटने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इधर की तरफ से हमें धागे को खींचते जाना है और इधर की तरफ से ये अपने आप से पलटता जाएगा। पलटने की वजह से देखिए इसमें थोड़ी शिकन आ गई है, तो अब हम इसको एक बार ही प्रेस कर लेते हैं। प्रेस लगाने के बाद अब देखिए हमने येलो कलर की लेस ले ली है। आप देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरत लेस है। मैंने येलो कलर का फैब्रिक यूज़ किया था, तो इस पर मैं लेस भी येलो कलर की ही लगा रही हूँ। आप जिस भी कलर का फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं उसे मैचिंग की लेस लगा सकते हैं। अब देखिए हमने जिधर से फोल्ड करके इस पर सिलाई लगाई थी उधर की तरफ से ही हमें इस पर लेस भी लगा लेनी है। लेस लगाने के बाद अब देखिए हमें फिर से सुई धागा ले लेना है और यहाँ ऊपर की तरफ से हमें किनारे से इसको बिल्कुल पास पास में टक कर लेना है। इसी तरीके से हमें इसको लास्ट तक टक करना है। सुई धागे से हमने देखिए इसको टक करके और फिर इकट्ठा कर लिया है। अब हमें नैपी ले लेनी है। नैपी पे हमें यहाँ ऊपर की तरफ से मेजर करते हुए 1 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। ये जो हमने इकट्ठा करा है इसको हमें इसी मार्किंग के ऊपर रखना है। किनारे से हम इसको रखना शुरू करेंगे और जो हमने ये प्लेट्स डाली हैं इसको अच्छे से सेट करते हुए देखिए यहाँ से कॉर्नर तक सिलाई लगाकर इसी के ऊपर जॉइंट कर लेना है। सिलाई लगाकर हमने देखिए इसको यहाँ पे जॉइंट कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसी तरीके से हमें एक और फ्रिल तैयार कर लेनी है और उसको देखिए यहाँ पर 1 इंच नीचे से जॉइंट कर लेना है। फ्रिल लगाने के बाद अब देखिए यहाँ पे जो हमने सिलाई लगाई है तो इसको ढकने के लिए हमें फिर से ये येलो कलर की लेस लेनी है और इसको देखिए यहाँ से यहाँ तक दोनों तरफ से लगा लेना है। लेस लगाने के बाद अब हमने ये जो ऊपर की तरफ से कपड़ा छोड़ा था 1 इंच का, इसको हमें ऐसे बीच में से फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद देखिए यहाँ बिल्कुल नीचे की तरफ से इस पर हम सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमें इसके अंदर इलास्टिक डालनी है। तो अगर हम बीच में से सिलाई लगा देंगे तो इलास्टिक डालने में प्रॉब्लम होगी दोनों तरफ से। अब हमने ये व्हाइट कलर की पतली वाली इलास्टिक ले ली है। अगर आपके पास इसमें की इलास्टिक नहीं हो तो जो गोल वाली इलास्टिक आती है पतली वाली, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। हमने देखिए ये छोटा वाला सेफ्टी पिन लिया है, तो पहले आगे की तरफ से हमें इसको इस तरीके से लगाना है। अब यहाँ ऊपर की तरफ से हमें देखिए सेफ्टी पिन से इलास्टिक को डाल लेना है।
देखिए हमने सेफ्टी पिन निकाल लिया। अब इधर से इलास्टिक डालने के बाद सबसे पहले हमें इलास्टिक को खींचकर यहाँ पे बिल्कुल बराबर करना है। थोड़ा सा हम इधर की तरफ से निकला ही रहने देंगे इलास्टिक को, और यहाँ पे सिलाई लगाकर इसको हम पहले लॉक कर लेंगे। यहाँ से इलास्टिक को लॉक करने के बाद अब इधर की तरफ से हमें देखिए इलास्टिक को ऐसे खींचना है, तो खींचने की वजह से बीच में से कपड़ा इकट्ठा होता जाएगा। इस तरीके से इकट्ठा करते हुए हमें देखिए यहाँ पर फिर से इलास्टिक को लॉक कर लेना है। इलास्टिक को देखिए हमने इधर से लॉक कर लिया। अब यहाँ से हम इलास्टिक को कट कर लेंगे, तो थोड़ा सा हमें देखिए इलास्टिक छोड़ते हुए फिर इसको कट करना है। अब इस तरीके से कान्हा जी के लिए कमर बन गई है। ऐसे ही हमें दूसरे तरफ से भी देखिए इलास्टिक डाल लेना है। दोनों तरफ से हमने देखिए इलास्टिक भी लगा लिया है। अब हमें इसको बीच में से ऐसे फोल्ड कर लेना है बराबर करते हुए। अब क्या करेंगे हम, देखिए ये जो नेपी है इसको हमें इसमें बराबर करते हुए रखना है। ये जो हमने फ्रिल लगाई है इसमें बिल्कुल बराबर करते हुए रखेंगे, और इधर वाला जो पीस है यहाँ पर भी देखिए हमें इलास्टिक पहले ऊपर वाले पे बिल्कुल बराबर रखना है दोनों कमर को, फिर बीच में से इसकी दूसरे वाली पीस की भी फ्रिल हम लेंगे, और नेपी को भी देखिए हमें इसी में जॉइंट करना है। दोनों तरफ से हमें नेपी भी बराबर करते हुए रखना है, हमें ये ध्यान देना है। अब यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई लगाकर इसको जॉइंट कर लेंगे। इधर की तरफ से हमने देखिए इसको बराबर करते हुए सिलाई लगा लिया है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ से हमने नेपी को भी जॉइंट किया है, और ये जो बीच में हमने फ्रिल लगाई है उसको भी हमने जॉइंट किया है। अब इधर की तरफ से भी देखिए पहले तो फ्रिल को हमें अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, जिससे कि हमें सिलाई लगाने में आसानी होगी। इस तरीके से करते हुए किनारे से हमें नेपी में बिल्कुल बराबर करते हुए रखना है फ्रिल को। फिर ये जो ऊपर वाला पीस है इसमें भी हमें फ्रिल को देखिए बिल्कुल बराबर करते हुए रखना है नेपी में। बाकी जो फ्रिल है इसको हमें देखिए अंदर की तरफ शिफ्ट कर लेना है। इस तरीके से इकट्ठा कर देंगे हम अंदर की तरफ इसको। अब हमें कमर से इसको फिर से बराबर करते हुए रखना है। नेपी को भी हम साथ में लेंगे। इस तरीके से चारों पीसेस को हमने देखिए बिल्कुल बराबर करते हुए रखा। अब यहाँ से हम सिलाई लगाकर इसको भी जॉइंट कर लेंगे। दोनों तरफ से हमने देखिए इस पर इकट्ठा करते हुए सिलाई भी लगा ली है, और सारे फ्रिल्स को हमने अंदर की तरफ कर लिया है। अब यहाँ ऊपर कमर की तरफ से हमें इसको पलट कर सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो कमर है कान्हा जी की, ये हमें ढीली ही रखनी है। बहुत ज़्यादा टाइट कमर हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर हम टाइट कमर बनाएंगे ना तो कान्हा जी को ड्रेस पहनाने में प्रॉब्लम होगी। हमें देखिए ऐसे कमर फैला कर फिर ही कान्हा जी के पैरों में ये नेपी पहनानी होगी। तो आप ध्यान रखें कि कमर चौड़ी हो, जिससे कि कान्हा जी को ये ड्रेस पहनाने में आसानी रहे। या फिर आप चाहें तो इलास्टिक की जगह पर डोली डालकर भी ये ड्रेस बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब हम कान्हा जी के लिए चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए हमने देखिए व्हाइट कलर के कॉटन के फैब्रिक में से एक पीस कट कर लिया है। इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है वो हमने 12 इंचेस यानी कि 12 इंच रखी है, और इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच रखी है। ये मेजरमेंट हमने 6 नंबर के कान्हा जी के लिए रखा है। तो 0 से लेकर के 10 नंबर तक के कान्हा जी के लिए मैं आपको कपड़े की लंबाई का मेजरमेंट बता देती हूँ। 0 नंबर के कान्हा जी के लिए कपड़े की जो टोटल लंबाई होगी वो हमें 6 इंच यानी कि 6 इंच रखनी है। 1 नंबर के लिए 7, 2 नंबर के लिए 8, 3 नंबर के लिए 9, 4 नंबर के लिए 10, 5 नंबर के लिए 11, 6 नंबर के लिए 12, 7 नंबर के लिए 13, 8 नंबर के लिए 14, 9 नंबर के लिए 15, और 10 नंबर के कान्हा जी के लिए जो टोटल लंबाई हम रखेंगे वो 16 इंच यानी कि 16 इंच रखेंगे। चौड़ाई का मेजरमेंट हमें 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच ही रखना है। अब हमें एक पट्टी तैयार करनी है, तो देखिए इसको हम ऊपर की तरफ से फोल्ड करेंगे, फिर नीचे की तरफ से फोल्ड कर लेंगे, और फिर देखिए बीच में से हमें इसको बिल्कुल बराबर करते हुए ऐसे फोल्ड करना है, और इस पर सिलाई लगाकर पट्टी तैयार कर लेनी है। पट्टी तैयार करने के बाद अब हमें देखिए ये येलो कलर की लेस लेनी है, जो कि हमने फ्रिल में लगाई थी। इसको हमें यहाँ से रखते हुए लगा लेना है। बिल्कुल ऊपर रखते हुए हम नहीं लगाएंगे, थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए फिर देखिए हमें इसको यहाँ से लगाना है, और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेना है। पट्टी तैयार करने के बाद अब हमें इसको देखिए बिल्कुल बीचों बीच में से बराबर करते हुए फोल्ड कर लेना है, और यहाँ सेंटर से कट करके दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। अब जिधर से ये व्हाइट वाला फैब्रिक है, इधर की तरफ से हमें देखिए इसको एक के ऊपर एक रखना है बिल्कुल बराबर करते हुए इस तरीके से, और हम नेपी ले लेंगे। नेपी को देखिए हमें ऐसे पहले फैला लेना है, और इसका जो सेंटर है वहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच में हमें देखिए इसको अंदर की तरफ से रखना है इस तरीके से, और यहाँ से सिलाई लगाकर हम इसको जॉइंट कर लेंगे। पट्टी जॉइंट करने के बाद अब देखिए हमने वेलक्रो ले लिया है, हमने दो पीसेस लिए हैं, इसको हमें ऐसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब देखिए ये जो दो पीस हैं इसको हमें यहाँ पट्टी पर आगे की तरफ से पहले लगा लेना है।
दोनों पट्टी पे हमने देखिए वेलक्रो लगा लिया। अब ये जो दोनों पीसेस बचे हुए हैं इन्हें हमें पीछे की तरफ लगाना है। तो देखिए यहाँ नेपी जो हमने बनाई है इसमें अंदर की तरफ से हम वेलक्रो लगा लेंगे, एक यहाँ पे लगाएंगे, फिर हमें आधे इंच की जगह छोड़ते हुए दूसरा वेलक्रो लगा लेना है इस तरीके से। देखिए हमें ये अंदर की तरफ लगाना है जिससे कि ऊपर से इसमें दिखाई नहीं देगा और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी समर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।